बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। इस्लामिक हब ऑफिशियल के मुअज़्ज़ज़ सामईन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह पाक आप सब की सारी परेशानियों को, तकलीफ़ों को, मुसीबतों को अपनी रहमत से ख़त्म फरमा दें और अपनी रहमत से आपकी सारी हाजतें पूरी फरमा दें, आपको सब मकासद में कामयाब फरमा दें। जिन मसाइल के हल के लिए आप वज़ाइफ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आज़मत और बड़ाई सुनते हैं, अल्लाह पाक आपके उनके मसाइल को हल फरमा, आपके उन मसाइल को भी हल फरमा दें। आमीन या अरहमर रहीमीन। आप देख रहे हैं पंखा घूम रहा है, मुसलसल गर्दिश में है। ये पंखा कैसे घूम रहा है? बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है इसके अंदर से मोटर फिर रही है, ये भी फिर रहा है, लेकिन पीछे एक निज़ाम है, बिजली का एक निज़ाम है जो बोर्ड तक जाता है, बोर्ड से मेन स्विच तक जाता है, स्विच से मीटर तक जाता है, मीटर से खंबे तक जा रहा है, खंबे से ट्रांसफार्मर तक जा रहा है, ट्रांसफार्मर से फिर पावर प्लांट जो इलेक्ट्रिकल प्लांट होता है वहाँ तक जा रहा है। एक बाकायदा एक निज़ाम है। इसी तरह हमें बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि हमारे मसाइल की वजह फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, लेकिन निज़ाम कुछ और है। रिज़्क में बेबरकती क्यों है? फ़लाँ रिश्तेदार हसद करता है, फ़लाँ दुकानदार हसद करता है, बिज़नेस चल नहीं रहा, फ़लाँ बिज़नेस वाला हसद करता है, कोई तावीज़ करवा रहा है, कोई जादू करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। देखिए ये बज़ाहिर नज़र आ रहा है लेकिन पीछे एक निज़ाम है। उस निज़ाम में क्या है? उस निज़ाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी जा रही है, उस निज़ाम में नमाज की पाबंदी ना करना जा रहा है, उस निज़ाम में नज़रों की हिफाजत ना करना जा रहा है, उस निज़ाम में माँ बाप की नाफरमानी, उनके साथ गलत रवैया, उनके साथ सख्ती का रवैया जा रहा है। इन सारी सप्लाईज़ के बाद जो आपको आउटपुट मिलना है वो परेशानियां ही मिलनी हैं। जो बंदा गुनाहों वाली ज़िंदगी गुजार रहा हो वो सुकून हासिल कर ले, इन ख़यालस व महालस व जुनू, ये तो नादानी है, बेवकूफ़ी है। कोई बंदा अल्लाह पाक की नाफरमानी कर रहा है और वह सुकून चाहता है, कोई नमाज की पाबंदी नहीं करता और रिस्क की फरावानी चाहता है, तो ये नामुमकिन सी बात है। इसी तरह बहुत से गुनाह ऐसे हैं जो बहुत सी परेशानियों की वजह बनते हैं। हमारे बहुत से गुनाह ऐसे हैं जिनकी वजह से हम परेशानी में मुबतला हैं, लेकिन हमें मिसगाइड किया जाता है, आप पर तो जादू है, आप पर तो बंदिश है, आप पर तो असरात हैं, आप पर किसी ने तावीज़ कर दिए हैं। अब तवज्जो से सुनिएगा, अगर आप पर तावीज़ हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर ये फ़ैसला फरमा लेते कि आपकी हिफाजत की जाएगी, तो क्या वो तावीज़ असर कर सकते थे? अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फ़ैसला फरमा लेते कि आपको कोई नुकसान ना होता, तो कोई जिनोइंस में से, कोई शैतानों में से, कोई फरिश्तों में से कोई आपको नुकसान पहुँचा सकता है? अल्लाह पाक फ़ैसला फरमा दें आपकी इज़्ज़त का, कोई जलील कर सकता है? अल्लाह पाक ज़िंदगी का फ़ैसला फरमा लें, कोई मौत दे सकता है? अल्लाह पाक सुकून का फ़ैसला फरमा दें, कोई परेशान कर सकता है? अल्लाह पाक फरवानियों का फ़ैसला फरमा दें, कोई तंगी कर सकता है? अगर आपको लगता है कोई कर सकता है तो फिर आपका ईमान ख़तरे में है। लेकिन अगर आपको यकीन है कि अल्लाह ही करने वाले हैं और जब अल्लाह फ़ैसला फरमा दे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो फिर ये जो बंदिश हुई है ये फ़ैसला किसकी तरफ से हुआ है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फ़ैसला फरमाया हमारे आमाल की वजह से। हम आमाल को ठीक ना करें, तावीज़ों की कार्ड करवाते फिरें, लगे रहें फिर जनाब शुगर के मरीज़ हैं, मीठा खाते जाएँ, इंसुलिन लगाते जाएँ, जिस दिन शुगर का लेवल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो हमने भी वजीफ़े कर करके, जिस दिन वजीफ़े करते करते थक गए, मसले फिर सर पे आ चढ़ दौड़ेंगे, वक्ती तौर पे मसाइल हल होते नज़र आते हैं, इसलिए कि अल्लाह को पुकारने का फ़ायदा तो होता है, लेकिन जब तक आप
परहेज़ नहीं करेंगे, शुगर के लिए आप मीठा खाना नहीं छोड़ेंगे, आपको तकलीफ़ तो होगी। इसी तरह आप गुनाहों को नहीं छोड़ते और लगे रहें फिर माल व दौलत की फरावानी के लिए वजीफ़े करने, जादू नसीबन से हिफाजत के लिए वजीफ़े करने, मसला हल नहीं हो सकता आपका। तो खुदारा इस बात को ना थोड़ा सा सीरियस लें, ये लाइट ना लें इसको। हकीकत यही है, हमारे मसाइल की वजह ही यही है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूर हैं, ऊपर से हमें गाइड भी इतना गलत किया जाता है, बजाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ जोड़ने के हमें लगा दिया वजीफ़े करने पे, कभी कोई वजीफ़ा कभी कोई वजीफ़ा, कि अल्लाह हमारे वजीफ़ों के मोहताज हैं। ओवरऑल आप देख लें जितने भी वज़ाइफ़ के चैनल हर जगह पे नए से नए वजीफ़े, और लोग उन वजीफ़ों को जो है ना वो सब कुछ समझ रहे हैं। तो अब ना थक गया हूँ मैं ना अब आपको हकीकत बताता चलूँ। लोग देखना ही ये चाहते हैं, इनको लौंग के दानों पे दम करवा के दो तो पैसे बढ़ जाएं, चावल के दानों पे दम करवा के वजीफ़ा बताओ तो पैसे बढ़ जाएं, इस तरह के ड्रामे इनके साथ लगा के रखो ताकि ये जलील होते रहें। इनको ये ना बताओ कि नमाज़ की पाबंदी करोगे तो अल्लाह रिस्क बढ़ा देंगे, इनको ये ना बताओ कि नबी रिसलाम ने फरमाया है तो बावजू रहा कर अल्लाह तेरा रिस्क बढ़ा देंगे। एक सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कीजिए अल्लाह मेरा रिस्क बढ़ा दे, मफहूमर्स करो नबी इस्लाम फरमाया बावजू रहा कर अल्लाह तेरा रिस्क बढ़ा दे। अब ये बातें नहीं कोई बताएगा, खुदा का वास्ता है अब वजीफ़े ना छोड़ दें। इस्लामिक हब ऑफिशियल और आसान वजीफ़ा ऑफिशियल पर 4 बजे इस्लामिक हब पर, 5 बजे आसान वजीफ़ा ऑफिशियल पर वीडियो अपलोड होती है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अजमत और बड़ाई और जो बेसिक इंस्ट्रक्शन जैसे मैंने आज अर्ज की हैं बताई जाती हैं, इनको तवज्जो से सुनिए। उसके बाद जो मैं अमल बता रहा हूँ, रोज़ाना 2 वज़ाइफ़ 2 आमाल आपको बताए जाएंगे, इनका ताल्लुक सिर्फ ज़िक्र से है, अल्लाह पाक से मांगने से है, अल्लाह पाक को मुख्तलिफ नामों से पुकारने से है, ताकि ऐसे ना हो जैसे होटलों में जाके हम आर्डर देते हैं, हम आर्डर देना शुरू कर दें अल्लाह ये भी कर दें ये भी कर दें। 3 मरतबा 2 रकत नफल नमाज पढ़ें। नबी अलैहिस्सलाम को जब कोई सख्त अमर पेश आता था आप नमाज की तरफ मुतवज्जे होते थे, तो आप 2 रकत नफल पढ़िए। नमाज नहीं पढ़नी महसूस याम है तो अज़ान के बाद अमल कर लें, जब नमाज़ पढ़नी हो तब 2 रकत नफल पढ़िएगा। तो 2 चीज़ें बेसिक हैं, बताई जाएँ या ना बताई जाएँ आपने करना है, 2 रकत नफल और अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक। किसी भी अमल में आपको बताया जाएगा ना बताया जाए आपने करना ही करना है, सिर्फ महसूस याम में आप नफल नहीं पढ़ेंगे, और वज़ाइफ़ महसूस याम में करने हैं नहीं करने ही आपको बता दिया जाएगा। और आपने 2 रकत नफल पढ़ लिए या अजान हो गई उसके बाद आप 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस्म मुबारक या अज़ीज़ु या अल्लाह अल्लाह पाक को पुकारिए, अल्लाह पाक को पुकारिए, जैसे बच्चा अपनी माँ को मुसीबत तकलीफ़ में पुकारता है, तब तक जब तक आपके दिल की कैफियत न बदल जाए, आंखें नम ना हो जाएं, आपके दिल की कैफियत बदलती है आपको महसूस होगी अल्लाह को पुकारते हुए, वो कबूलियत का वक्त है। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर लीजिएगा उस वक्त, फिर अल्लाह पाक से अपने सारे मसले अर्ज़ कर लीजिएगा। दुरूद पाक पढ़ना है, ये ज़िक्र करना है, वजीफ़ा नहीं ये ज़िक्र करना है, ज़िक्र की नीयत से आपने अल्लाह पाक के इस मुबारक को पुकारना है, और उसके बाद आपने दुआ करनी है, कम अज़ कम 5 मिनट दुआ लाजमी होनी चाहिए। अल्लाह पाक ने जो नेमतें दी हैं उन पर शुक्र अदा करें, और फिर अल्लाह से दुआ करें अल्लाह आपने इतनी नेमतें दी हैं एक एहसान और फरमा दें, मेरा ये मसला है आप हल फरमा दीजिए ना अल्लाह। अल्लाह जब तक आप मसला हल नहीं फरमाएंगे मैं आपके दर पे पड़ी हूँ जाऊँगा तब ही जब आप मसला हल फरमा दें, इस दर को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो अल्लाह पाक से यूँ मांगना है, क्यों नहीं मिलेगा? इस दुनिया के अंदर मौजूद किसी भी इंसान का कोई भी मसला ऐसे हल नहीं होना तो कैसे होना है? वजीफ़े तो मेडिसिन की तरह है, शिफा अल्लाह ने देनी है, इसी तरह वजीफ़ों से मसला अल्लाह ने हल करना है। अल्लाह ने चाहे तो जितने मर्जी वजीफ़े कर लो, लेकिन इन आमाल से अल्लाह पाक मसाइल को हल फरमाते। तो रोज़ाना अल्लाह के दर पे आइए, अल्लाह से मांगिए उन आमाल के ज़रिए जो रोज़ाना अपलोड होने वाली वीडियो में बताए जाएं। अक्सर मैं सफ़र में होता हूँ तो गुज़श्ता दिन 2 दिन की तरह वीडियो मिस भी हो जाती है, तो जो अमल उससे पहले आपको मिला हो 4 बजे और 5 बजे वो आप अगले 1 दिन 2 दिन अगर वीडियो अपलोड ना हो तो आप उसी अमल को रोज़ाना कर लिया करें।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। मिसाल के तौर पे अगर कल वीडियो अपलोड ना हो सके, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अजमत और बड़ाई आज की इसी तरह फिर दोबारा सुनिए, उसके बाद फिर आप दोहरे का नफल पढ़ के या पढ़ के आप वीडियो प्ले करें, फिर आप ये जिक्र कर लें, दुआ कर लें, जैसे आपको आसान लगे। आप वैसे भी अमल करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई हरज नहीं। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप सब के सारे मसलों का हल फरमा दें, महसूस में अमल किया जा सकता है। मज़ीद किसी तरह की कोई भी शरायत ना पूछा करें, ना ज़रूरत है। वक्त बता दें, जगह बता दें, कितनी बार पढ़ना है, कितने दिन पढ़ना है, बस नेक्स्ट वजीफ़ा अपलोड होने तक आप करें। मसला हल हो गया, वेल एंड गुड। ना हुआ तो कल 4-5 बजे दोनों वीडियोस अपलोड होंगी, उन दोनों वीडियोस में जो वजायफ़ हैं उनको 24 आवर्स में आप एक दफ़ा, दो दफ़ा, जितनी दफ़ा करना चाहें आप करके 24 आवर्स के अंदर अंदर आप वेट करें, देखें आपका मसला हल होता नहीं होता। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आप सबके मसाइल हल होंगे। इस तरतीब पर आइए, सुन्नत तरतीब पर आइए, वजीफ़ों को छोड़ें, आप अल्लाह से मांग लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।